Hello class 10th, welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about chapter 3rd, pair of linear equation in two variables, part 1, do char wale rekhik samikran yugma. Pair of linear equation in two variables mein hum baat karte hain, an equation which can be put in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b, and c are real numbers and a and b are not both zero is called a linear equation in two variable, that is x and y. वो ये कहना चाह रहा है कि एक equation, एक समीकरण which can be put in the form of ax plus by plus c equal to zero, ऐसा समीकरण जिसको हम ax plus by plus c equal to zero के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, where a, b, c are real numbers, जहाँ a, b, c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, and a and b are not both zero, दोनों zero नहीं होने चाहिए, is called a linear equation in two variables x and y. वो आपके दो चर वाला एक रैखिक समीकरण कहलाता है. Each solution x, y of linear equation in two variables ax plus by plus c equal to zero corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. वो ये कहना चाह रहा है कि रैखिक समीकरण ax plus by plus c equal to zero का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली पॉइंट रेखा के एक पॉइंट के करस्पॉन्ड होता है, यानी कि संगत होता है, और यही इसका वाइस वर्सा यानी कि विलोम भी होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास में 2x plus 3y equal to 5, ये टू वेरिएबल्स में हमारे पास में x एंड y में ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, x minus 2y minus 3 equal to 0, where the coefficient of x is 1 and the coefficient of y is minus 2 and the constant term c is minus 3. And the next example is x minus 0y equal to 2, or we can represent as x equal to 2. These are the example of pair of linear equation in two variable. Now we can take example from equation exercise 3.1. Question number first is that Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you are then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो वो ये कहना चाह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से ये कहता है कि 7 years ago, 7 वर्ष पूर्व, I was 7 times as old as you were then. मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था. Also 3 years from now, 3 years from now मतलब after 3 years, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा. इस स्थिति को, इस सिचुएशन को बीजगणितीय और ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा आपने प्रदर्शित करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. हम सपोज करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर एंड द एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7 years एगो द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स माइनस 7, एगो कह रहा है यानी कि पीछे, और द एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई माइनस 7, और उसकी पुत्री की जो आयु होगी वो वाई माइनस 7 होगी. According to this question, इस question में उसने क्या कहा, वो ये कहना चाह रहा है कि 7 years ago, आफ्ताब जो है 7 year ago क्या है, x minus 7 years का होगा, I was 7 times as old as you are, यानी कि अपनी बेटी से ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, यानी कि x minus 7 equal to 7 time x y minus 7. If we express this one, x minus 7 equal to 7 multiple by 7 with y, that is 7y, and 7 minus 7 if we multiple, so 7 7s are 49. If we again expand it, x minus 7y equal to
माइनस 42। इक्वेशन नंबर से फर्स्ट हमारे पास में आ गई। अल्सो थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से तीन साल बाद, या हम कहें कि आफ्टर थ्री इयर्स, आफ्टर थ्री इयर्स एज ऑफ आफ्ताब विल बिकम एक्स प्लस थ्री, क्योंकि अभी आफ्ताब की एज एक्स है तो आज से तीन साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस थ्री हो जाएगी। एज ऑफ हिज डॉटर विल बिकम वाई प्लस थ्री, क्योंकि अभी उसकी प्रेजेंट एज जो है वाई ईयर है, तो आफ्टर थ्री ईयर्स सी विल बी वाई प्लस थ्री ईयर्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन विच इज गिवन, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री टाइम्स वाई प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, जब हमने आगे मल्टीपल किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया, और एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसका ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में आएगा, तो x माइनस सेवन वाई माइनस 42 के लिए और x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स के लिए, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस सेवन वाई माइनस 42, देन वी कैन रीराइट एज x प्लस 42 इक्वल टू सेवन वाई और y इक्वल टू x प्लस 42 ओवर 7, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट द सॉल्यूशन टेबल इज, सॉल्यूशन टेबल हमारे पास में क्या हो जाएगी, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू x प्लस 42 प्लस अपॉन 7, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 तो हियर y इक्वल टू 42 ओवर 7 और 7 6 जा 42, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0.6, यानी कि x कोऑर्डिनेट उसका जो है 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट उसका 6 हो गया। इफ वी पुट x इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू 42 प्लस 7 दैट इज 49, 49 ओवर 7 दैट इज 7, तो इफ x इक्वल टू 7 देन y इक्वल टू वी हैव 7। इफ वी पुट माइनस 7 एट x, माइनस 7 प्लस 42 दैट इज 35, 35 ओवर 7 इक्वल टू 5, ये हमारे पास में रिजल्ट है। इसमें जब भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज हमने इस तरीके से पुट करनी है कि हमारे पास में जब भी हम इस डिनोमिनेटर पार्ट से डिवाइड करें तो हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यूज को सपोज करके रखते हैं, जैसे हमने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो हमको वैल्यू मिल गई वाई की, इसी तरीके से अब हमने एक्स की वैल्यू 7 रखी तो 7 रखने पर हमको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है, 42 प्लस 7 दैट इज 49 ओवर 7 व्हिच गिव्स अस 7। तो एक बार हमने पॉजिटिव 7 रख दिया है तो दूसरी बार में हम इसी का नेगेटिव वैल्यू को रखें, वाई इक्वल एक्स इक्वल टू माइनस 7, एक्स इक्वल टू अगर माइनस 7 हम पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 42 ओवर 7 व्हिच इज 35 ओवर 7 दैट इज 5। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, अब हम यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में जाने से पहले कि हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स बने, तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हमको 6 मिला, तो मैं उसको ए पॉइंट से डिनोट कर लेता हूँ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.6, और वाई इक्वल टू जब मैंने 7 रखा तो मेरे पास में बी पॉइंट मिला, उसके कोऑर्डिनेट्स में मैं ले लेता हूँ 7.7, यानी कि एक्स एक्सिस में भी ये 7 चलेगा और वाई एक्सिस में भी ये 7 चलेगा। इसी तरीके से जब एक्स इक्वल टू मैंने माइनस 7 रखा तो वाई की वैल्यू मेरे पास में 5 आती है, तो सी मैंने एक पॉइंट रख लिया और सी के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो मेरे पास में माइनस 7.5 आ गए। अब मेरे को देखनी है अगली चीज, सेकेंड इक्वेशन पर जाने से पहले मैं बात करूंगा, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास में है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री वाई, इफ वी ट्रांसपोज माइनस थ्री वाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तो वी विल फाइंड आउट एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री। द सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन टेबल को देखने के लिए देखें, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर मेरे पास में क्या मिलता है, y इक्वल टू माइनस 6 ओवर 3, तो y इक्वल टू माइनस 6 ओवर 3 तो 3 टू जा 6, यानी कि जो वैल्यू मिली वो 0.-2 ये मेरे को मिली, और जब x इक्वल टू मैं 3 वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह पर 3 में पुट करता हूँ तो 3 माइनस 6 एंड 3 माइनस 6 गिव्स अस माइनस 3, माइनस 3 ओवर 3 दैट इज माइनस 1,
And if we put x equal to minus 3, minus 3 minus 6, that is minus 9, minus 9 over 3, that is minus 3. So here we have to point D, E, F, and the coordinates of the point D is that is 0 comma minus 2. In abscissa, x goes to only 0 point, and in ordinate, that is y axis, that is minus 2. In point E, we have 3 comma minus 1 and F minus 3 comma minus 3. इन पॉइंट्स को लेके हम जो है ग्राफ डिनोट करते हैं. तो ग्राफ जब डिनोट किया तो हमारे पास में देखिएगा किस तरीके ग्राफ डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन फर्स्ट है x minus 7y equal to minus 42. तो इसके लिए जो पॉइंट्स आए हमारे A 0.6, B 7.7 और C minus 7.5. और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ से हमको पॉइंट्स मिले d 0 कॉमा माइनस 2, e 3 कॉमा माइनस 1 एंड f माइनस 3 माइनस 3. तो हमने जब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया तो हम x एक्सिस और y एक्सिस में जब हम चले तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले हमने x एक्सिस ड्रॉ की, ये हमारे पास में x एक्सिस के लिए लाइन गई और ये हमारे पास में y एक्सिस के लिए लाइन गई. यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन हो गया मूल बिंदु. मूल बिंदु के जब हम लेफ्ट हैंड साइड में गए तो इसको माइनस x एक्सिस कहते हैं और y एक्सिस के जब हम यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में गए नीचे की ओर को तो ये y डैश एक्सिस कहलाती है. तो इस तरीके से हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया. इसमें x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में यहाँ हमने x एक्सिस में जो एक एवरेज ले लिया तो यहाँ से लिया हमने 0, 5 और 10. इसी तरीके से इसका अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 5, माइनस 10 एंड सो ऑन, क्योंकि हमारा माइनस 10 तक रखने पर ये पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं. और जब हम y एक्सिस की ओर को चले तो यहाँ 0 हमारे पास में है, यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम 7, 8 तक गए. अब हमने पहला पॉइंट जो हम a पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है तो हमारे पास में a यानी x एक्सिस में हम 0 चले तो ये 0 हो गया और y एक्सिस में हम 6 डिस्टेंस चले तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया, यानी कि 0.6 पॉइंट हमारे पास में ये हो गया. b पॉइंट देखें हम 7.7.7 यानी कि x एक्सिस में 7 डिस्टेंस, x एक्सिस में 7 चले तो 5 और 10 के बीच में यहाँ 7 होगा और उसके ठीक ऊपर y पर 7 पॉइंट, तो y पर 7 पॉइंट ये है तो 7.7 हमारे पास में ये पॉइंट यहाँ दिखा रहा है. और फिर c हमने दिखाया इसी का, c माइनस 7.5 तो माइनस 7 यानी कि x x डैश एक्सिस में चले, x डैश एक्सिस में माइनस 5 और माइनस 10 के बीच में यहाँ कहीं माइनस 7 होगा और माइनस 7 के ठीक ऊपर हम 5 पर चले गए तो ये पॉइंट हमारा माइनस 7.5 हो गया. तो उसके बाद हमने ये जो पहली इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 उसके लिए ये पॉइंट आया और ये तीनों पॉइंट हमने जो है एक लाइन से मिला दिए. फिर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए आए x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसमें d हमारे पास में जो पॉइंट हमने निकाला था 0 कॉमा माइनस 2 निकाला तो 0 हमारे पास में यहाँ हो गया और माइनस 2 हमारे पास में यहाँ नीचे की ओर को आ गया तो यहाँ पे ये हमारा 0 कॉमा माइनस 2 पॉइंट इस यहाँ पर हो गया, इसको हमने d पॉइंट ले दिया. e पॉइंट हमारे पास में है 3 कॉमा माइनस 1 यानी कि x एक्सिस में 3 डिस्टेंस चला तो x एक्सिस में 3 चला तो 0 और 5 के बीच में यहाँ कहीं 3 होगा और उसके बाद y एक्सिस में माइनस 1 डिस्टेंस चला तो ये माइनस 1 डिस्टेंस ये हो गई और इसके ठीक सामने आपके पास में ये पॉइंट है तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर डिनोट कर दिया 3 कॉमा माइनस 1. और f पॉइंट के अंदर जब हम चले तो माइनस 3 कॉमा माइनस 3 यानी कि x एक्सिस में माइनस 3, x एक्सिस में माइनस 3 चले तो माइनस 3 इधर कहीं होगा यहाँ पे और उसके ठीक नीचे हम माइनस 3 पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में वो माइनस 3 वाला पॉइंट हो गया और इन तीनों पॉइंट्स को भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया. तो इस तरीके का हमारे पास में एक ये ग्राफ प्लॉट हो गया. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ग्राफ है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या हमारे पास में पैरेलल लाइंस होती हैं और क्या हमारे पास में जो इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें, प्रतिच्छेद करती हैं वो होती हैं और कौन सी लाइनें जो है हमारे पास में कोइंसिडेंस यानी कि संपाति होती है, उसके बारे में हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे. Now the question number second, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 ball for rupees 3900. एक कोच अपनी टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल
3,900 रुपए में खरीदता है। लेटर सी बाइज अनदर बैग एंड टू मोर बॉल्स फॉर ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1,300। और वह सेम एक बैट और दो बॉल जो है 1,300 रुपए की बाद में खरीदती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस कंडीशन को, इस स्थिति को आपने एल्जेब्रिकली यानी कि बीजगणितीय रूप में एंड ज्योमेट्रिकली और ग्राफ के थ्रू आपने बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज वाई। सी बाइज थ्री बैट्स, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स बी रुपीज 3x एंड द कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल्स बी रुपीज 3y, बिकॉज कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज y एंड वन बैट बी रुपीज x। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस वी हैव 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। दिस इज द एल्जेब्रिकली इक्वेशन। Now, if we take out 3 as common, so we have x plus 2y equal to 1300. X equal to 1300 minus 2y. If we transpose 2y from left hand side to right hand side, and 2y equal to 1300 minus x, or y equal to 1300 minus x upon 2. Now the solution table is what? If we put x equal to 0, अगर हम x equal to 0 put करें, तो वी हैव 1300 ओवर 2, 1300 ओवर 2 मींस दैट इज 650। तो वी हैव अ पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0, 650। नाउ द सेकंड, इफ वी पुट द वैल्यू x इक्वल टू 500, देन 1300 माइनस 500 दैट इज 800, 800 ओवर 2 इक्वल टू 400। तो वी हैव अ पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 500, 400. Now opposite of 500, because we have to put the value 500, and we just put the value negative of 500, that is negative 500. Here 1300 minus 500, that is minus minus plus 1300 plus 500, that is 1800. 18 over 2, that is 900. So we have a point C whose coordinates are minus 500. ये हमारे पास में आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू सेकंड केस हमारे पास में है कि एक बैट और दो बॉल उसने खरीदी है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। नाउ सी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इज आल्सो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इससे हमें एक चीज समझ में और आती है कि ये पॉइंट्स भी हमारे पास में क्या होंगे, सेम आएंगे। तो वी हैव 2y इक्वल टू 1300 माइनस x, y इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन टेबल इज व्हाट, x इक्वल टू, इफ यू पुट 0 तो y इक्वल टू 650 एंड x इक्वल टू 500, y इक्वल टू 400 एंड x इक्वल टू माइनस 500, देन y इक्वल टू 900। वी प्लॉट द ग्राफ, a 0 650 and b 500 to 400 and c minus 500 to 900। इसका मतलब यह है कि हमने x एक्सिस में जब 0 चलेंगे तो y एक्सिस में हमने 650 की डिस्टेंस तय करनी है, जब हम x एक्सिस में 500 की डिस्टेंस चलेंगे तो y एक्सिस में हम ठीक 500 के ऊपर से हम 400 की डिस्टेंस चलेंगे, और जब हम x एक्सिस में माइनस 500 चलेंगे यानी कि 0 से लेफ्ट की ओर को हम माइनस 500 चलेंगे, तो ठीक उसी के ऊपर y एक्स में हम 900 की दूरी को चलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं आगे हमारे पास में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में ये ग्राफ हमारे पास में आया, इसमें हमारे पास में y एक्सिस हमने बनाई और ये हमारे पास में x एक्सिस आई, और पॉइंट हमारे पास में जो आए वो क्या आए, 500, 900, माइनस 500, 900, 0, 650 एंड 500, 400। तो ये हमारे पास में पॉइंट आए, और ये पॉइंट्स हमने क्या शो किया इन पॉइंट्स ने कि हमारे पास में जो ये ग्राफ आ रहा है दोनों इक्वेशन के लिए, वो ग्राफ हमारे पास में क्या आएगा, एक कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा, यानी कि संपाती जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कि दोनों लाइनें जो हैं एक के ऊपर
एक इस तरीके से यहां पर आएंगी जिसको हम कोइंसिडेंट केस कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड 2 रुपीज 160, यानी कि किसी दिन 2 केजी एप्पल्स यानी सेब का और 1 केजी ग्रेप्स अंगूर का जो मूल्य है वो 160 रुपीज था। आफ्टर ए मंथ एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 2 केजी ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने के बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो है ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि बीजगणितीय और ग्राफ के द्वारा जो है इस स्थिति को आप दर्शाइए। तो लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ एप्पल्स बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ ग्रेप्स बी रुपीज वाई। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑफ एप्पल्स दैट इज 2x एंड कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ ग्रेप्स बी वाई। सो 2x प्लस y इक्वल टू 160। वी रीअरेंज दिस y इक्वल टू 160 माइनस 2x, 2x ट्रांसपोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर द सॉल्यूशन टेबल इज इफ यू पुट वैल्यू x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू 160 माइनस 2x, अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो ये कंप्लीट मेरे को 0 मिल जाता है और y इक्वल टू 160 यानी कि a पॉइंट मेरे पास में जो है वो a पॉइंट क्या बन जाता है 0, 160। इफ वी पुट x इक्वल टू 40 तो 40 इंटू 2 80, 160 माइनस 80 आपके पास में हो गया 80, y की वैल्यू मेरे पास में क्या मिल जाएगी 80 हो जाएगी। तो सेकेंड b पॉइंट मेरे पास हो जाएगा 40, 80। नाउ नेक्स्ट इफ वी पुट x इक्वल टू माइनस 40 तो वी हैव 40 इंटू माइनस 40 इंटू 2 दैट इज माइनस 80, माइनस 80 और माइनस साइन दैट इज प्लस 80, 160 प्लस 80 दैट इज 240, ये हमारे पास में यहाँ से मिल जाएगा, ये सी पॉइंट हमारे पास में हो गया। तो सी पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस हमारे पास में क्या है, 4 केजी ऑफ एप्पल्स दैट इज 4x प्लस 2 केजी ऑफ ग्रेप्स दैट इज 2y इक्वल टू 300। टेक आउट 2 एज कॉमन, वी हैव 2x प्लस y इक्वल टू 300 और 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, ये भी हमारे पास में हो गया। Now y इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2, ये हमारे पास में आ गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन टेबल इज व्हाट, सॉल्यूशन टेबल हमारे पास में क्या हो जाएगा, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 तो वी हैव y इक्वल टू 150, क्योंकि x हमारे पास में अगर यहां से हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमारे पास में ये कंप्लीट 0 हो गया 4x वाला और 300 ओवर 2 दैट इज 150। ये d पॉइंट हमारे पास में बन गया। इफ वी पुट x इक्वल टू 20 तो 24 जा 80, 300 माइनस 80 हमारे पास में हो गया 220 और 220 ओवर 2 दैट इज 110, ये हो गया। और इन द सेम वे इफ वी पुट माइनस 20 एट x, माइनस 20 इंटू 4 माइनस 80, माइनस 80 माइनस प्लस साइन हो गया 300 प्लस 80 380, 380 ओवर 2 दैट इज 190। तो ये हमारे पास में f पॉइंट बन गया। इन पॉइंट से अब हमने क्या करना है, ग्राफ प्रेजेंट करना है। ग्राफ को हम तो ग्राफ देखिएगा हमारे पास में किस तरीके से है, ये हमारे पास में ग्राफ की कंडीशन आएगी, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास में और ये हमारे पास में y एक्सिस आ गया। और जब हमने पॉइंट इसमें डिनोट किए तो पॉइंट्स में हमने देखा कि हमारे जो जो पॉइंट थे वो इस तरीके से आए। ये पहली इक्वेशन के लिए हमारे लिए पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास में आया है और ये 240 पॉइंट आया है। फिर इसी तरीके से हमने जब y एक्स दूसरा इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन के लिए हमने पॉइंट डिनोट किया तो जब हमारे पास में वैल्यू 20 माइनस 20 थी x की तो यहाँ हमारे पास में 190, जब हमारे पास में x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू 150 और जब हमारे पास में x की वैल्यू 20 थी तो यहाँ हमारे पास में कितना आ गया 110, ये हमारे पास में आ गया। तो ये इस तरीके से हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया। थैंक यू।